नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 में संस्कृत व्याकरण में जो है संधि का हमारा प्रकरण चल रहा था, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ ली थी। व्यंजन संधि में हम पर सर्वर्ण संधि पढ़ रहे थे, जिसका एक नियम जो है तोड़ी वो बचा हुआ है, उसको हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। फिर उसके पश्चात हम आज विसर्ग संधि को प्रारंभ करके विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पर सवर्ण संधि में तौली नियम क्या कह रहा है, यदि तवर्ग के इस सामने लकार हो तो, यानी कि तवर्ग का मतलब होता है त, थ, द, ध, न, इन पांचों वर्णों के आगे लकार हो तो उसको क्या कहेंगे, उसके तवर्ग के स्थान पर सपर सवर्ण हो जाएगा। यानी कि इन त, थ, द, ध, न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। जैसे और एक और इसमें बात है कि वहां नकार के स्थान पर अनुनासिक हो जाएगा, यानी कि जहां न होगा ना तवर्ग में, वहां ल तो चेंज होगा ही लेकिन अनुनासिक भी होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन देखते हैं एक बार, तद धन लय, तद धन लय, तो द के स्थान पर क्या होगा, लकार हो जाएगा, तो इसका क्या बन गया दोस्तों, तलय, यानी कि तलय। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखिए, इसमें त के स्थान पर क्या हो रहा है, ल हो रहा है, त के स्थान पर क्या हो रहा है, ल हो रहा है, तो जगत लय, तो इसका हो जाएगा जगलय, यानी कि इसमें आधा लय जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया, मतलब पहला नियम ही कह रहा है कि त वर्ग में जो भी मतलब वर्ण आए, पांचों वर्णों के स्थान पर हमें ल आदेश करना है। ठीक है, उसके बाद में एक और देखिए, त जहत धन लक्षणा, यानी कि इस त के स्थान पर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, ल कर रहे हैं। ठीक है, तो ल जहत लक्षणा। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद एक और अपन उदाहरण देख लेते हैं, उसका न का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अनुनासिक कर रहे हैं, उसका उदाहरण देख लेते हैं। तो न को क्या हो गया, ल, और ऊपर क्या आएगा, अनुनासिक, तो इसका क्या हो गया, इस न को क्या कर रहे हैं अपन, ल और अनुनासिक, तो इसका क्या हो गया, विद्वा लिखति, विद्वा लिखति। अब इसमें यहां पर क्या कर देंगे अपन, अनुनासिक वर्ण क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो विद्वा लिखति, या तो इसको आप यहां लिख दो या इसको ल को नीचे भी अपन लिख सकते हैं, विद्वा लिखति। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, विलसतः धन लंका, विलसतः धन लंका, तो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब त की जगह पे क्या आएगा, ल आएगा, त की जगह क, थ, द, ध, न, इन पांचों वर्णों की जगह ल करना है अपन को, कौन से सूत्र से, तौली सूत्र से, कौन से सूत्र से, तौली से। ठीक है ना, जैसे इस त के स्थान पर वे ल स लंका। ठीक है ना दोस्तों, इसका ये हो गया विलस लंका। ठीक है, ये हमारी जो है वो पर सवर्ण संधि जो है वो पूर्ण हो गई। अब इसके बाद में हम आगे विसर्ग संधि का दोस्तों अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, विसर्ग संधि को क्या कहते हैं, ये अपन देखते हैं कि यहां पर जो विसर्ग संधि का मतलब होता है विसर्ग, विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है, विसर्ग। जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है या विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि। जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, या विसर्ग के स्थान पर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे
देखिए परिभाषा, परिभाषा जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मतलब अपन को विसर्ग के स्थान पर कोई भी कार्य करो या कोई भी परिवर्तन करो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि। अब इसमें विसर्ग संधि में कौन कौन सकती है, मतलब सत्व संधि, रुत्व संधि, उत्व संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग लोप संधि। इसके कितने भेद बताए गए हमने, पांच। इसके मतलब विसर्ग संधि के भेद, संधि के भेद। तो सर्वप्रथम सत्व संधि, सत्व संधि। दूसरी विसर्ग संधि, तीसरी उत्त संधि, उत्त संधि, चौथी रुत्त संधि, और पांचवी कौन सी दोस्तों, विसर्ग, विसर्ग लोप संधि। तो इसमें अपन जो है वो कौन सी संधि का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम, अपन सर्वप्रथम सत्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सत्व से सीधा पता लग रहा है कि जहां पर हमें क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर स करना है, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, स करना है। तो अपन देख लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सत्व संधि को। देखिए दोस्तों सत्व संधि, तो इसमें क्या है सत्व संधि में, यदि विसर्ग के सामने सामने खर वर्ण, खर वर्ण वर्ग का पहला दूसरा और स श तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स हो, तालव्य स मूर्धन्य स और दंत सर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, हो तो विसर्ग के स्थान पर स्थान पर छकार हो जाता है, हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इस समय क्या कह रहा है सत्व संधि, क्या कह रही है, यदि विसर्ग के सामने, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण, एक तो क ख च छ ट ठ त थ ई, यानी कि एक दो यानी कि पहला और दूसरा वर्ण हो और स स स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, सकार हो जाता है, सकार हो जाएगा। जैसे
उदाहरण देखते हैं अपन। नमः धन ते, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर क्या बोल रहा है, नमः धन ते, मतलब यहां पर विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है, सकार करना है, दंते सा करना है। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, नमः ते, इसका क्या बन जाएगा, नमस्ते, ठीक है ना दोस्तों। जैसे न तो विसर्ग स्थान पर क्या करना है अपन को, स करना है, तो इसका क्या बन जाएगा, नमस्ते। दूसरा देखो, राम प्लस च, तो यहां विसर्ग स्थान पर कौन सा आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा वर्ण है, च, तो यहां पर रामश, यानी कि रामश, ठीक है ना दोस्तों, रामश, यानी विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है, विसर्ग स्थान पर अपन को स करना है, ठीक है। एक और देख लो, धनुधन तंतार, तो धनुधर टंकार, तो धनुधर टंकार में क्या करेंगे, धनुधर टंकार में क्या करेंगे, यानी कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, स हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, धनु टंकार, धनु टंकार, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही और देख लो एक और, जैसे ने धन छल, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, निश्चल, निश्चल, ठीक है ना। जैसे देखिए, यानी कि हमें विसर्ग के स्थान पर स करना है, स कौन सा, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, जैसा आगे वर्ण हो उसके हिसाब से हमको स करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखो, राम धन त्राता, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाए, सत्य में विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, स करना है, तो रामस त्राता, यानी कि रामस त्राता, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे विष्णु त्राता, तो विष्णु त्राता बन जाएगा, जैसे विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, विष्णु विष्णु त्राता, ठीक है ना। यानी कि हमारी सप्त संधि में जो कार्य करना है, विसर्ग के स्थान पर जो कार्य करना है उसमें स लगाना है, चाहे वो तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, चाहे वो दंत हो, कोई सा भी वर्ण हो उसके स्थान पर हमें सकार का आदेश करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमने कौन सी संधि देखी, सप्त संधि देखी, इसके बाद में कौन सी संधि देखेंगे, विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, हमारी दूसरी जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि, ठीक है। यदि विसर्ग के सामने स वर्ण, सर वर्ण स श श हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग भी हो जाएगा और विसर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हरि हरि धन सेते, ठीक है। तो अब इसमें विसर्ग के स्थान पर अगर अपन स करते हैं तो इसका क्या बन गया, हरीशेते, ठीक है दोस्तों। और इसका वैकल्पिक रूप जो है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा तो इसका क्या बनेगा, हरीशेते, ठीक है दोस्तों, इसका क्या बनेगा, हरीशेते। अब जैसे दूसरा देखो अपने, दूसरा क्या है, नृपः षष्ठः, नृपः और षष्ठः,
तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, नृप षष्ट यानी कि नृप षष्ठ, नृप षष्ठ यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इस स के स्थान पर क्या हो रहा है, स हो रहा है, ठीक है ना। और वैसे अपन लिखेंगे तो क्या होगा, नृप षष्ठ, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि विकल्प से विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा, और वैसे स हो तो सर स कर देंगे अपन, ठीक है ना। नृप हरिष्यते, नृप षष्ठ, तो इसका क्या बनेगा, नृप षष्ठ, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में एक और उदाहरण आप देखते हैं, जैसे नेत्र संदेह, नीह धन संदेह, संदेह, तो इसका देखिए अब विसर्ग स्थान पर क्या करेंगे, स करेंगे, तो निश संदेह, निश संदेह। अब वैसे अगर करेंगे अपन विकल्प से तो नी धन संदेह, ठीक है ना। मतलब विकल्प से इसका जो जो रूप बन रहा है वो विसर्ग का विसर्ग आ जाएगा, यानी कि जैसे का तैसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन स करते हैं वहां पर तो इसमें क्या जाएगा, नृप षष्ठ, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद अपन और क्या देखते हैं, और कौन संधि अपनी तीसरी संधि जो है वो आती है, वो कौन संधि है, उत्त संधि। तीसरी संधि कौन सी है दोस्तों, उत्त संधि। उत्त संधि इसमें क्या होगा, ये देखते हैं, उत्त संधि, उत्त संधि में क्या कह रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी संधि हमारी कौन सी है, उत्त्व संधि। उत्त्व संधि यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो तरह से कह रहा है। जैसे पहले ही हम क्या कह रहे हैं कि ह्रस्व आकार के सामने, ह्रस्व आकार के सामने यदि ह्रस्व आकार हो, यानी कि छोटे अ के सामने छोटा आ हो, तो हो तो पूर्व के यानी कि पहले वाले ह्रस्व आकार के आगे रेफ, रेफ के स्थान पर ओकार हो जाता है, यानी कि ओ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब छोटे ह्रस्व आ के आगे ह्रस्व आ हो तो पूर्व ह्रस्व आगे वाले जो आ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेफ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ का आदेश होता है, ठीक है। इसके बाद में अ छोटा अ प्लस अ, इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार हो जाता है, यानी कि इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यानी कि ह्रस्व आकार के बाद में विसर्ग आ जाएगा तो उसमें इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओकार आदेश हो जाएगा, यानी कि ओकार की मात्रा हो जाएगी। और ये दूसरा वाला जो आकार है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। जैसे देख रहे थे अपन कह धन अपि, तो इसका क्या बन गया, को अपि, यानी कि इस अ को क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है ना। और इस अ को क्या हो गया, अवग्रह, यानी कि इसका क्या बन गया दोस्तों, को अपि। अब जैसे देखिए राम अवदत, यानी कि राम प्लस अवदत, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, देखो राम हो, राम हो अवदत, ठीक है दोस्तों, इसका बन गया रामो अवदत। और इसके बाद में इसका देखिए राम प्लस अयम, तो इसका बन जाएगा रामो, रामो अयम, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अपन को क्या करना है, उकार भी करना है और उसके बाद में क्या करना है, मतलब इसमें अवग्रह भी लगाना है। अब जैसे सहधन अपि, तो इसका क्या बन जाएगा, यानी इसके स्थान पर क्या करना है, उकार करना है और इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सो अपि,
ठीक है ना दोस्तों, यानी कि सर के वंश की जो आ है अकार है उसके स्थान पर हमें मतलब उकार करना है और उसके बाद में ये जो है उसके स्थान पर हमें क्या करना है अवग्रह चिन्ह करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में और देखते हैं, जैसे नपह घन अस्ति, नपह घन अस्ति, तो इसमें क्या है प के स्थान पर क्या करेंगे उकार कर देंगे और अ के स्थान पर यानी कि ह्रस्व कार के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों अवग्रह कर देंगे। तो इसका क्या हो गया इंद्र को अस्ति, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अपन ने उत्त संधि में क्या किया है ह्रस्व कार के स्थान पर ह्रस्व कार को क्या कर दिया है वो कर दिया है और उसके मतलब फिर जो दूसरा वाला जो ह्रस्व कार है उसके स्थान पर हमने अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया है। इसमें एक तो ये हो गया, अब इसके आगे और देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों शिवः धन अर्चः, तो उत्त संधि में हमें क्या करना है वो करना है पूर्व के अकार को और इसको क्या करना है अवग्रह करना है। तो देखते हैं शिवः धन अर्चः, तो इसका क्या बन जाएगा शिवो अर्चः, शिवो अर्चः, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में छात्रः अयम, यानी कि इसका क्या करना है तो इसका देखिए छात्रों अयम, ठीक है अवग्रह करना है दोस्तों, यानी कि बाद वाले ह्रस्व कार के रूप में क्या करना है अवग्रह चिन्ह करना है। इतो अपि, इतो अपि यानी कि इत धन अपि, इसका क्या बनेगा दोस्तों विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया आगे वाले अ को क्या हो गया ओ हो गया और बाद वाले को अवग्रह हो गया, तो इसका क्या बन गया इतो अपि, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अपन देखेंगे नमः प्लस नमः, तो इस जो आगे वाला अकार है इसको क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको नमः हो जाएगा, तो इसका बन गया नमो नमः, नमो नमः, ठीक है ना दोस्तों। इसका क्या बन गया अपने नमो नमः। अब ऐसे मनोहर, तो मनः उकार हो जाएगा इसका, तो न को क्या हो जाएगा नो हो जाएगा, ठीक है ना, तो मनोहर, यानी इसका क्या होगा दोस्तों मनोहर हो जाएगा। तो अपने इस कौन सी संधि देगी उत्त संधि को हमने आज जान लिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब आज की कक्षा में हमने सबसे पहले जो व्यंजन संधि का जो परसवर्ण संधि का जो तौली सूत्र था उसको पढ़ा, उसके बाद में हमने विसर्ग संधि के परिभाषा के बारे में जाना कि विसर्ग संधि क्या होती है और फिर उसके बाद में हमने विसर्ग संधि के जो भेद हैं उसमें हमने 5 भेद बताए हैं, सत्व संधि, उत्त संधि, विसर्ग संधि, रुत्व संधि और विसर्ग लोप संधि, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हमने पहले सत्व संधि को पढ़ा जिसमें स स स के स्थान पर स आदेश कर दिया, उसके बाद में रुत्व को पढ़ा और इसके बाद में अब हम उत्त संधि को, उसके बाद हमने विसर्ग को पढ़ा और इसके बाद में हमने क्या किया उत्त संधि को किया जिसमें रस पूर्व वाले अ के स्थान पर ओ को कर दिया और बाद वाले को हमने क्या कर दिया अवग्रह बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब कल की कक्षा में हम जो आगे की जो संधि है जैसे रुक्त संधि और क्या बोलते हैं उसको विसर्ग लोप संधि की जानकारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।